जो लोग हैं, हमारे ख्वातीन हैं, गलियों में, एरिया में, हर जगह कचरा उठा के फेंक देते हैं। तन को और घर को अच्छा रखने के साथ साथ हम जो बाहर हमारे खिड़कियों के बाहर या गेट के बाहर हम कचरा फेंकते हैं, वो कचरा फेंकना छोड़िए, सड़कों पे कचरा फेंकना छोड़िए। सलाम पेश करते हैं हमारे सफाई कर्मचारियों को और सैनिटरी वर्कर्स को। जब हमारा सिटी क्लीन रहेगा तभी हमारा देश भी क्लीन हो जाएगा। गेट के बाहर फेंक देते हैं या तो खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, वो कूड़ा जमा होकर कूड़ा दान बन जाता है। वो कूड़ा दान को उठाने के लिए कई लेबर लग जाते हैं। पिछले अगर 10 साल का डेटा उठाकर देखा जाए तो सैनिटरी वर्कर्स जो इंडिया में मरे हैं लगभग 60,000। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। आज 1 नवंबर कर्नाटका कन्नड़ा राज्योत्सव डे है, तो इसी मौके पर आज हमारी आरएस के एनजीओ की जानिब से हम एक मूवमेंट चला रहे हैं जो देश भर में गंदगी ज़्यादा फैलती जा रही है उसको रोकने के लिए, उसको सुरक्षित बनाने के लिए आज हम मूवमेंट स्टार्ट किए हैं। आज इनॉग्रेशन हो चुका है हमारे एनजीओ की जानिब से। हम गुलबर्गा के हर वो शहर जाकर, गुलबर्गा शहर के हर वो स्कूल्स और एरिया, मॉल्स, सड़कें जाकर जहां पर गंदगी फेंकी जाती है उनको हम अवेयरनेस दे रहे हैं ताकि आप अपना कूड़ा जो है जो महानगर पालिका की गाड़ी आती है उनमें डालें। जो हमारी मुहिम चल रही है क्लीन सिटी क्लीन इंडिया, क्लीन, जब हमारा शहर स्वच्छ रहेगा, जब हमारा सिटी क्लीन रहेगा जब ही हमारा देश भी क्लीन हो जाएगा। तो हर वक्त एक अच्छी आदत, आओ सब मिलकर एक अच्छी आदत बनाएंगे। आज से हम लोग अपना जो कूड़ा कचरा निकलता है उसको महानगर पालिका की गाड़ी में डंप करेंगे। और कूड़ा में भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है वेट गार्बेज, एक होता है ड्राई गार्बेज, उसको भी अलग अलग करके डालना है। लेकिन वो नहीं डालने के बावजूद भी हमारे जो लोग हैं, हमारे ख्वातीन हैं, गलियों में, एरिया में, हर जगह कचरा उठा के फेंक देते हैं। उससे बीमारियां भी बहुत सारे फैल रहे हैं, जैसे देख रहे हैं आप टीबी है, डेंगू है, बहुत सारे ऐसे बीमारियों के असरात भी आ रहे हैं। तो हम अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाएंगे, हम अपने शहर को साफ करेंगे और हमारे देश को सुरक्षित रखेंगे। थैंक यू। आज कर्नाटका राज्योत्सव के मौके पर आरएस के एनजीओ ने गुलबर्गा में एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक प्रोग्राम रखा। मैं आरएस के एनजीओ को बधाई देता हूं कि उन्होंने क्लीन सिटी स्लोगन के तहत आज अपना एक मूवमेंट जैसे शुरू किया है और अवेयरनेस प्रोग्राम्स, अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत, स्वच्छ सिटी अभियान के तहत। मैं आज के मौके पर एक, जब कर्नाटका राज्योत्सव भी मनाया जा रहा है तो ऐसे मौके पर मैं एक थोड़े से कुछ बात कहूँगा कि भाई स्वच्छ जब तक नहीं होता है शहर, जब तक कि हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारी काम नहीं करते तब तक स्वच्छ नहीं होता है। जब तक सैनिटरी वर्कर्स काम नहीं करते हैं ड्रेन सिस्टम्स बोलिए स्वच्छ नहीं रहता है। तो आज हम उनको एक सलाम पेश करते हैं हमारे सफाई कर्मचारियों को और सैनिटरी वर्कर्स को, जो उनकी मेहनत है कि शहर साफ रहता है, सैनिटरी कंडीशन साफ रहते हैं। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी अफसोस की बात यह है, कर्नाटका जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इंडिया का नंबर वन स्टेट बन गया, लेकिन अफसोस की बात ये कि आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग में सैनिटरी वर्कर्स जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं उसमें नंबर 3 पोजीशन पे है, मतलब टॉप 3 स्टेट्स में है। तो ये बड़ी शर्म की बात है। आज पिछले अगर 10 साल का डेटा उठाकर देखा जाए तो सैनिटरी वर्कर्स
जो इंडिया में मरे हैं लगभग 60,000 लोगों ने 60,000 सैनिटरी वर्करों की जान चली गई। ये इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स डेटा की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं। पिछले 10 साल में 60,000 सैनिटरी वर्कर्स का मरना एक बड़ा दर्दनाक और एक अफसोसनाक वाकया है, एक बड़ा हादसा है कि सैनिटरी वर्कर्स का हम ख्याल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जिस तरीके से नाकाम है सैनिटरी वर्कर्स और सफाई कर्मचारियों के लिए एक पॉलिसी बनाकर उनको एक अच्छे से फैसिलिटीज़ देने में नाकाम है, इसका नतीजा ये है कि सैनिटरी वर्कर्स लगातार मर रहे हैं। अब पिछले साल खुद गुलबर्गा में 2 नौजवान सैनिटरी वर्कर्स मर गए। ये जो वाकई केस हुआ जो अलंद नाके के पास जो एक ड्रेन सफाई के टाइम हुआ, ये 2 सैनिटरी वर्कर्स भी यहाँ पे गुलबर्गा में मरने का वाकया पेश आया। इसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं कर्नाटका डेवलप हो रहा है, सॉफ्टवेयर में डेवलप हुआ है, लेकिन आज तक अफसोस ये है कि भाई सैनिटरी क्लीनिंग के लिए कोई मशीनरीज और इक्विपमेंट का इंतज़ाम नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, तो ये बड़ी शर्म की बात है। तो हम आज यही कहते हैं कि सैनिटरी वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, इनको हम कितना भी सलाम पेश करें, कितना भी इनको रिस्पेक्ट पेश करें, कम है, क्योंकि ये उनकी मेहनत है कि हमारा शहर स्वच्छ रहता है, हमारा शहर सैनिटरी कंडीशन सही रहते हैं। आज यही नारे के साथ कि हम सब ने ये ठाना है अपना शहर स्वच्छ बनाना है, यही स्लोगन के साथ आरएस के एनजीओ ने जो आज एक कैंपेन शुरू की, इसकी मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जय भारतीय जननिया तनु जाते, जय जय हे कर्नाटका माते। आज कर्नाटका राज्यसभा के मौके पर आरएस के एनजीओ की तरफ से एक मुहिम स्टार्ट की गई है जिसका नाम क्लीन सिटी क्लीन इंडिया है, जिसके तहत हम लोगों ने ये ठाना है कि हमारी सिटी को हम एक स्वच्छ बनाएंगे, हमारे इंडिया को एक स्वच्छ बनाएंगे। और हम आज इस मौके पर आरएस के एनजीओ की टीम और दिगर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, लीडर्स हैं, सब ने हमारा साथ दिया है इस स्वच्छ अभियान में। हम उनका सबका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि हम जब छोटे रहते हम लोगों को ये एक थोड़े अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, उन अच्छी बातों में ये होता है कि हमें क्लीन रहना है, साफ़ सफाई के साथ रहना है। हम हमारे तन को तो अच्छा रखते हैं, हमारे घर को भी अच्छा रखते हैं। तन को और घर को अच्छा रखने के साथ साथ हम जो बाहर हमारे खिड़कियों के बाहर या गेट के बाहर हम कचरा फेंकते हैं, वो कचरा फेंकना छोड़िए, सड़कों पे कचरा फेंकना छोड़िए। महानगर पालिका के कई गाड़ियां आते हैं सुबह में, मैं सबको हमारी सिटी को ये बोलना चाहती हूँ कि अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि जब महानगर पालिका के आपके घर तक गाड़ी डोर टू डोर आपके गाड़ी आती है, लेबर आता है कचरा डालने के लिए, डस्टबिन में कचरा रख के सिर्फ आप डोर के बाहर रखें तो कचरा लेके जाता है, ये नहीं करते गेट के बाहर फेंक देते हैं या तो खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, वो कूड़ा जमा होकर कूड़ा दान बन जाता है, वो कूड़ा दान को उठाने के लिए कई लेबर लग जाते हैं। तो इसकी वजह से ये जो हमारा टैक्स हम जो भरते हैं, टैक्स हमारा जो बढ़ता है इसलिए बढ़ता है कि लेबर ज़्यादा होते हैं। तो टैक्स ज़्यादा भरने के बजाय आप अपना कचरा एक अच्छा डस्टबिन में रख कर जो गाड़ी आती है, व्हीकल आती है महानगर पालिका की, उनमें डालिए। तो हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट की है, राफिया आरएस के एनजीओ के जो प्रेसिडेंट हैं मैं उनके साथ और मेरे साथ बहुत सारे लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमने एक एक ठाना है कि हम कॉलेजेस में, स्कूल्स में और कमर्शियल एरियाज़ में जाकर हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे और उनको बताएंगे कि आप अपना जो भी डस्ट है, गार्बेज है, एक सही तरीके से डस्टबिन में डालकर महानगर पालिका के गाड़ियों को दे दें।